9 जुलाई 1816 को अर्जेंटीना स्पेन से आजाद हुआ था। इसके बाद से अर्जेंटीना ने हर क्षेत्र में लगातार तरक्की है। इस मौके पर आज हम आपको वहां के एक ऐसे हाईवे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर यात्रा करना खतरों से खाली नहीं है। चिली और अर्जेंटीना को जोड़ने वाला यह हाईवे लास काराकोल्स पास के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों के बीच सुंदर घुमावदार रास्ते होने के कारण इसे हेयर पिन बैंड्स हाईवे कहा जाता है। 10,419 फीट की ऊंचाई पर बना यह हाईवे बर्फबारी के कारण करीब 6 महीने बंद रहता है। 25 किमी लंबे रास्ते में कहीं सुरक्षा फेंसिंग नहीं है। इसके विकल्प के तौर पर सुरंगें हैं, लेकिन वे बर्फबारी के कारण बंद रहती हैं। हालांकि चिली और अर्जेंटीना करीब 8,000 किमी लंबा बॉर्डर साझा करता है। ज्यादातर सड़कें एंडेज पर्वत श्रृंखला के ऊपर ही हैं। दोनों देशों के बीच 40 जगह पर क्रॉसिंग बनाई गई है, लेकिन लास काराकोल्स को सबसे अमेजिंग सड़क कहा जाता है। कई रिपोर्टों में इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक भी बताया गया है। लेकिन इतनी घुमावदार सड़क पर रोज भारी संख्या में गाड़ियां गुजरती है, क्योंकि चिली की राजधानी सांतियागो और अर्जेंटीना के मेंडोडा के बीच यही सबसे प्रमुख सड़क है।